तो क्या हाल चाल है दोस्तों, आ गए एक और नई कमाल की डे टू कॉन्करर गेम प्ले वीडियो के साथ वापस। और आज हम उतरे थे अपार्टमेंट की साइड, क्योंकि अब थोड़ा हम सोलो उतरा सेफ था तो खेल रहे थे। बच्चा और बच्चा बच्चा यहाँ बच्चा पे मतलब क्या ही भसर आती है, वेरी आप गुड लोगों ने वेरी स्टार्टिंग में देख ही लिया गुड। होगा। और मेरे यार सामने ही बताओ जो बताओ वेरी गुड। अपार्टमेंट है, तो वहाँ पे एक बंदा उतरा था जो कि मेरे अब ये टीममेट क्या ने किया मामा ने? इजीली मार दिया। और सही किया, क्योंकि बाद में खतरा हो सकता था। तो फिलहाल के लिए इस अरे वीडियो पे मामा अगर ने आप मेरा आए हो कॉन्करर डुअर रैंक पुश की वीडियो देखने के लिए, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि लास्ट का जो फाइट है वहाँ पे हम कैसे सरवाइव करते हैं, और तीन टीम ने हम पे एक मतलब एक ही टाइम पे रश किया था, और हम वहाँ से कैसे सरवाइव किए और कैसे क्या क्या किए, वो सब आपको देखने को मिलेगा। और हमने मतलब इस मैच में कितना किल किया, कितना प्लस लिया, तो वो सब भी आप देखते रहना। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो जो यहाँ पे जो एक टीम थी उसको हम इजी मार देते हैं। और जैसा कि कल की वीडियो पे आप लोगों ने काफ़ी अच्छा प्यार दिखाया, तो आज की वीडियो को भी थोड़ा प्यार दिखाना, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। और फिलहाल तो यहाँ पे एक बोट आता तो उसको मार देता हूँ, यहाँ पे भी क्लियर हो जाता। और कल की वीडियो पे आप लोगों ने कमेंट किया कि भाई हमारे साथ खेल लो, अपनी आईडी दे दो, तो मैं एक चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ जो कि आप हाँ मैंने उसको देखी थी, देख के खुद ही मना कर दोगे मेरे साथ खेलने से। क्योंकि भाई वो सब बहुत चीज़ गलत अगर है। आपके साथ होता है तो आपका भी दिमाग ख़राब होगा और आप मुझे ही गाली दोगे। बिल्कुल नहीं, तो इस वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे, उससे पहले जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो देख लो, और इस वीडियो को भी पूरा देखना, क्योंकि भाई साहब क्या ही मस्त गेम प्ले निकला था। और क्लिप नंबर वन ये है, देखो अब यहाँ पे मेरे 3 किल हो गए थे, एक बोट दो रियल, तो अब मेरे टीममेट के 0 किल थे। तो मैं यहाँ पे अपने टीममेट को किल दिलाने की ट्राई करता हूँ, क्योंकि अब उसके 0 किल थे, तो प्लस उसका भी करना था, केडी उसका भी मेंटेन करना था। तो अब मेरे टीममेट का देखो पिंग इतना हाई है कि वो बोट को नहीं मार पा रहे हैं, और ये मुझे ही मतलब डैमेज कर रहे हैं। अब मैं यहाँ से चला जाता तो मेरे टीममेट को डैमेज कर दे रहे थे वो, इसलिए मैं यहीं पर था, थोड़ा थोड़ा डैमेज ले रहा था। तो अब डुओ में इतना हाई पिंग, मतलब आप समझ सकते हो कि कैसे हम सर्वाइव करेंगे और क्या करेंगे। तो फिलहाल तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मेरे टीममेट का पिंग सही होता है, देखो कैसे टेलीपोर्ट किया, तो वो करीबन 300-400 का पिंग होता है, तो वो बताता है, तो वो दोनों को मार देता है। अब कहानी यहीं पे नहीं ख़त्म होती है, यहाँ पे हम आए थे और यहाँ पे फिर से मेरे 1 किल थे, तो मैं अपने टीममेट को देता हूँ ये बोट, और भाई साहब भी देखो बोट से फिर नॉक हो गया। अब इतना हाई पिंग होने के बाद हम डुओ कॉन्करर कैसे करेंगे, अब आप सोच सकते हो कि कितना टफ होता है। और पिछले सीजन की तरह इस सीजन भी हम जैसे तैसे कॉन्करर कर ही लेंगे। और यहाँ पे देखो फिर बोट से नॉक हुआ, तो ये सब नहीं चलता भाई। और आप भी मतलब बोलोगे ऐसा नहीं कि मेरे बोट टीममेट के साथ ही ऐसा हो रहा है, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, मेरा भी पिंग हाई होता है, क्योंकि हम दोनों एक ही और बोट आया पीछे। जगह रहते हैं और दोनों का नेटवर्क भी सेम ही है। तो फिलहाल तो यहाँ पे एक बोट आता तो मार देता, और बस यही था। और यहाँ पे मतलब अब और करते हैं इस गेम एक प्ले तो की मेरा बात, वैसे तो डुओ यहाँ खेल पे रहा था जो लेकिन भी मेरे था को सही मारा है अपार्टमेंट सबसे में बोट बंदे आए थे, तो उन्हें मार को के हम मेरे क्लियर कर देते हैं। और बारी थी अब जो आगे के साइड है जो स्कूल है, तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा गन साउंड आ रहा था, और यहाँ पे जितना भी लूट था, फिलहाल तो हम लूट भाई। लेते, तो मेरे क्योंकि पास मेरे आ पास रही है एमओ वगैरह नहीं था। तो मैं अपने टीममेट से बोलता हूँ कि एमओ चाहिए मुझे, तो वो थोड़ा सा एमओ दे देता है, और यहाँ पे सर्वाइव करते। अब इसके आगे हमें स्कूल में जाना था और थोड़ा सा ट्राई करना था कि कैसे भी एक आध किल और निकल जाए। तो वहाँ से बचते बचाते हम यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे इन बंदों को देखो, पहले यहाँ पे चेक करते हो कि यहाँ कुछ मिल जाए तो नहीं, और तभी यहाँ से बोट फायर आता है, लेकिन वो बोट होता नहीं है। और मुझे अपार्टमेंट से भी दिखा था कि वो जो सामने स्विमिंग पूल जैसा जो है वहाँ पे बंदे हैं। फिलहाल यहाँ पे एक बंदा मेरे को स्पॉट हुआ, तो इसको सीधे खूंटी पे लटका दिया, और ये हम लोग तो अब बाद में भेज ही देंगे। तो मैं अपने टीममेट को कॉल देता हूँ रस कर ऊपर, और मेरा टीममेट देखो मतलब उसके अलग ही नशे, नेड भी फेंकते रह गया। तो नेडी फिलहाल फेंकता यहाँ रहता है पे इन दोनों को खूंटी पर लटका के सीधे हम लोग भेजा, और इनसे यार मतलब बताओ लूट बताओ करते, क्योंकि हमारे पास लूट की काफ़ी नेड ज़्यादा फेंकता कमी रहता थी और एमओ वगैरह भी कम था। तो फिलहाल तो यहाँ पे मैं यूजी को रिप्लेस करता हूँ M4 के साथ। है। मैं मारता हूँ यार, आप मारते जाओ, और मारते जाओ, कर चलो मेरे से मारने से पता चलेगा। सॉरी, यहाँ पे तो M4 है नहीं, तो आगे हमें M4 मिल जाता है, और तभी मुझे हल्की से घसरने की साउंड आती है। तो मैं समझ जाता हूँ कि बंदा बोर तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो कहीं लेटा हुआ है और बैठा हुआ है, शायद से उठ गया। तभी मैं इस साइड आता हूँ और उसकी खोपड़ी देखो, सीधे इसको भी हम लोग पूरा मार भेजा। देने थे बॉट। तो यहाँ पे भी हमने पूरा क्लियर कर दिया, और मेरा टीममेट बोलता भाई
मतलब हद है, बोट मेरे को भी मारने दे। जब मैं बोल रहा हूँ रियल है तो बोलता है बोट है, तो खैर कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसको एक बोट मिल गया था। तो किल यहाँ पे हमारा सेम था। अब हम सोच रहे थे कि यहाँ से रोटेट करें अब कहीं और जाके, क्योंकि यहाँ पे मतलब एनी टाइम बंदे आते ही रहते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा रिस्क था। तो हम चले जाते हैं अपार्टमेंट के साइड। अब देखो जैसे ही यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी एक टीम होती है। जैसे अंदर आया फायर हुआ, बंदा मुझे दिखा नहीं, जैसे दिखा वैसे उसको ट्राई किया मारने के लिए, लेकिन जो मेरा टीममेट था उसको नॉक कर देता। और यहाँ पे मेरा टीममेट 1v2 करने वाला है, तो फिलहाल अब उसके किल नहीं थे तो सही बात है कि वो 1v2 कर देता। और मेरे पास भी ज़्यादा हेल्थ नहीं था, तो मैं सोचता हूँ कि पहले हेल्थ बढ़ा लूँ, उसके बाद सोचता हूँ कि अगर वो चला गया ऊपर, अगर नॉक हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। तो चलो छोड़ो चल जाते हैं, अगर जो हेल्प कर सकूँ मैं कर दूँगा अपने टीममेट की। लेकिन मेरे जाते जाते दोनों को मतलब मार देते। ये और ये कोई शायद से चाइनीज़ बंदे थे, इनका नाम भी कुछ चाइनीज़ में था। तो इनसे बेसिक लूट हमें काफ़ी अच्छा मिल जाता है, और इस कारल में देख सकते हो ओनली 17 MO है, तो बढ़िया सा लूट मिल जाता है। उसके बाद हम बग्गी लेके निकलते हैं और सामने एक बोट दिखता है, जो कि मेरा टीम मेरे को बोलता है कि चल मार ले तू, किल्स बराबर हो जाएंगे। तो चलो भाई ठीक है। तो आप भी अगर डुओ पुश करते हो तो यार एक तो तुम्हारे में कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए, और आप अपने टीममेट की बात माना करो, और कि बोट का जो किल होता है वो मतलब बांटा करो। और हम आते इस वाले अपार्ट मतलब ये स्क्वाड हाउस में होल्ड करने, लेकिन यहाँ पे पहले से बंदे होते हैं, तो यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ, अगर फुटप्रिंट सामने ऐसा रहा तो ज़रूर ऊपर कोई जाएगा ही जाएगा। इसको ईजी नॉक करता हूँ, दूसरे बंदे को देखता हूँ, और तभी वो एकदम अचानक से मेरे मुंह पे आ जाता है। तो फिलहाल तो मैं नॉक हो जाता हूँ, और देख सकते हो मेरे टीममेट का भी कितना 1 HP हेल्थ है, तो फिलहाल वो हेल्थ बढ़ाता है। और देखो अब दोनों गए हम लोग, यहाँ पर रिवाइव लेता और इनसे लूट लेते, क्योंकि इनके पास काफ़ी अच्छा लूट था। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पर रिवाइव होता हूँ। अब यहाँ से रिवाइव होने के बाद हम थोड़ा ड्रॉप व्रॉप लूटते हैं, मतलब अच्छी खासी वेस्ट गन ले लेते हैं, और आते हम जोन के अंदर यहाँ पे। लेकिन भाई साहब यहाँ पे भी किस्मत के एली लगे हुए थे, यहाँ पे भी मतलब ऑलरेडी पहले से बंदे थे। अब देखो इनसे हम कैसे फाइट लेते और क्या करते। फुटप्रिंट आ गया था मेरे को, अब पहला खूंटी पे लटकाया, और इसको हम लोग नहीं भेजते क्योंकि अब इसका जो टीममेट था सामने के साइड से था, क्योंकि साउंड वहीं से आ रहे थे गन साउंड। अब वो बंदा स्पॉट हो नहीं रहा था, मैं चेक करता हूँ कि एक आध बंदा दिख जाए, फिलहाल तो वो दिखता नहीं है। तो मैं चला जाता हूँ छत पे, अब यहाँ से स्पॉट करने की ट्राई करता हूँ, लेकिन यहाँ से कोई दिखता नहीं है। और काफ़ी देर तक मतलब स्काउटिंग करता हूँ, मतलब धीरे धीरे स्कोप से ही देखता हूँ यहीं पर बैठे बैठे, और कोई फ़ायदा होता नहीं है। तो मैं नीचे चला जाता हूँ, तो अब मैं ट्राई भी नहीं करता कि ऊपर जाओ के देखूँ, क्योंकि कोई फ़ायदा हो नहीं रहा था। उसके बाद तभी मेरा टीममेट बताता है कि भाई स्मोक हो रहा है। अब उसके टीममेट को हम मार नहीं रहे थे, तो आता है मतलब वो अपने टीममेट को बचाने। तो फिलहाल मैं पहले ही एक हेड एक बॉडी मतलब दे दिया था, तो इजीली मेरा टीममेट सामने से उसको मार देता। और इनसे हम लूट करते हो, अभी बारी आ गई है कि मतलब जो 3 स्क्वाड है हम पे रस करेगी, क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे। अब यहाँ पे आते हो और अब इन जो सामने जैसे कि आपको सेफ दिख रहा होगा, कोई पता नहीं यहाँ पर बंदे के लिए, और ये जो गासे जा रही है उसमें काफ़ी ज़्यादा मैं लो किया उनको, शायद से मेरा जो टीममेट था अगर गाड़ी आगे ले जाता तो मार देते। और कभी भाई सैक्स अचानक से बंदे बते, कोई आइडिया नहीं था यहाँ पे बंदे होंगे। फिलहाल जैसे तैसे हमने इनको मार दिया, और तभी मतलब पीछे के साइड से फायर आता है जो कि हम ही मार रहे थे। और भाई साहब मेरे हेल्थ मतलब टीममेट की हेल्थ 1 HP थी, क्या हम यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे। तो अगर यहाँ पे सर्वाइव कर लिया तो आपको एक सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो जल्दी से चैनल पर जो भी नया है तो सब्सक्राइब कर दो। फिलहाल तो सामने से मौली फेंक रहे थे और यहाँ पर फटी पड़ी थी हम दोनों की। यहाँ पर मेरा टीममेट एक नॉक निकालता और दूसरे को मैं इजी मार देता हूँ। तो भाई साहब इस फाइट को मतलब देखने के बाद आप आपको क्या लगता है, सब्सक्राइब चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आप जैसा भी आपको लगे सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को एक शेयर भी मार देना, तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और मतलब अच्छा कर सके। तो फिलहाल तो यहाँ पर जो एक टीम बची थी, और वो टीम जो पहले डासिया से गई थी वही थी। और यहाँ पर मैं कवर बनाता हूँ, और मेरा जो टीममेट होता है वो मतलब भाई ओपन में नॉक हो जाता हूँ। यहाँ पे ट्राई करता हूँ मैं कवर बनाऊँ, लेकिन 3 सेकंड का टाइम रहता है तो बनता नहीं है, फिनिश हो जाता है।
और यहाँ पे मुझे लगा पत्थर के साइड बंदा होगा, लेकिन भाई साहब वो तो साइड में होता है, तो गेम पूरी तरह से चुप गया। तो डेट्स इट, आज का गेम प्ले यही था, तो मिलते हैं कल की वीडियो में, जब तक के लिए।